हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आपको चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के बारे में बताऊंगी। इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एंगल्स के बारे में। फर्स्ट एक क्वेश्चन आया डन, तो आज हम करेंगे फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम एंगल्स के बारे में, ये देखो बेटे, जो भी याद, हम प्रोटेक्टर के यूज से, प्रोटेक्टर कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज अ प्रोटेक्टर। ये देखिए, ये सेकेंड, ये रही, ये देखो ये डी है, इसको प्रोटेक्टर भी बोल देते हैं। तो इस तरह से है, जो इस तरह ये लाइन बन गई, दैट इज कॉल्ड ए राइट एंगल। जो ये लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है, ये जो है लेफ्ट साइड पे, जो राइट साइड पे एंगल बनते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। अंडरस्टैंड, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। राइट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे है, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, इसको ऑब्ट्यूस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से लेस होते हैं हमारे लेफ्ट। ये देखो, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? लेफ्ट और राइट हैंड, आपको पता है आपका राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है। जो राइट हैंड में आएंगे, दैट इज कॉल्ड ए एक्यूट एंगल। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो दैट इज कॉल्ड ए ऑब्ट्यूस एंगल। ये राइट एंगल देखा राइट साइड पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। जो 90 के अबव होते हैं, यहां से शुरू हो जाते हैं 100 110 120 180 तक, ये रही, तो दैट इज कॉल्ड ए ऑब्ट्यूस एंगल। अंडरस्टैंड? तो ये जो है, इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। यहां पे देखिए, ये कौन से है? राइट है, ये कौन से है एंगल? एक्यूट एंगल, लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे। अब हम लेफ्ट साइड पे बना रहे हैं, तो ये कौन से हुए सारे? ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से अबव ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से लेस एक्यूट एंगल। बस इतनी सी बात आपने समझनी है इस चैप्टर में, ओके? तो आज हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। तो हमने इसको प्रोटेक्टर की मदद से, ये देखो ये बुक है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, इसको इस तरह आपने यूज करना है, ठीक है? ये ऐसे रखी इस पे बुक पे, तो यहाँ पे हमने मेजर करना है। फर्स्ट एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? फर्स्ट एंगल हमने प्रोटेक्टर की मदद से मेजर किया, हमारा कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। इसमें हमने इसको मेजर किया, तो फर्स्ट वाला ए पार्ट वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। इस तरह हमने यूज किया है, उसने ऐसे ही बनाया है, ये रहा 45 डिग्री। ये देखो, यही शेप बनी हुई है ना यहाँ पे, ये वाला, तो इसको हमने कैसे यूज किया है? 45 डिग्री। सेकेंड जो है, मैंने आपको बोला लेफ्ट साइड पे चला गया, ये फर्स्ट की डायग्राम है ए पार्ट, तो दैट इज कॉल्ड ए एक्यूट एंगल। इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे? एक्यूट एंगल। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, इसको हमने मेजर किया है, आपने अपनी डी की मदद से मेजर करना है, कैसे? ऐसे, ठीक है? यहां पे हमने मेजर किया, तो ये 90 का है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे चले गए, मैंने आपको बोला ना राइट साइड पे एक्यूट एंगल है, लेफ्ट साइड पे कौन से हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमने इसको मेजर किया, तो ये कितने का हुआ? 120 डिग्री। इसको कौन सा नाम दिया है हमने? जो लेफ्ट साइड पे है, ऑब्ट्यूस एंगल। अंडरस्टैंड? आपने डी की मदद से, ये जिसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, इसकी मदद से आपने बनाए हैं। सी पार्ट, सी पार्ट कौन सा है? एक सीधी लाइन दिखाई है, ये इसको हमने इस तरह लेना है, ये सीधी डी रखी, ये सेंटर पॉइंट से हमेशा मेजर करते हैं, तो ये कौन सा हो गया? राइट एंगल, 90 डिग्री, ठीक है? आपने डी की मदद से हमेशा, ये देखो, ये को हम प्रोटेक्टर और डी भी बोल देते हैं, ये सीधा जो है, ये क्या आंसर है? राइट एंगल। ये जो लेफ्ट साइड पे है,
राइट साइड पे, दैट इज कॉल्ड ए एक्यूट एंगल। यहां तक जो है ये आधी डी जो राइट साइड पे है दैट इज कॉल्ड ए एक्यूट एंगल, जो लेफ्ट साइड पे है दैट इज कॉल्ड ए ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, यही हमने अंडरस्टैंड करना है प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो हमने मैयर किया यहां पे फोर्थ का डी पार्ट। अब क्या है फोर्थ का डी पार्ट, ये देखो उसने कैसे बनाया है ऐसे, ये है ना, तो इसको हमने मैयर किया ऐसे, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का हो गया, ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो जो 60 डिग्री का एंगल है दैट इज कॉल्ड ए एक्यूट एंगल, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो है उसने एक बीच में ऐसे, ये देखो नेक्स्ट ऐसे बनाया उसने ये रहा, तो ये कितने डिग्री का है, यहां से लिया हमने मैयर किया तो कितने का है ये, ये देखो यहां से, तो ये है ऐसे, तो ये जो है 90, सॉरी इसने यहां पे ये रहा, ये तो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। इसको क्या कहेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये वाला ये है, ठीक है, इसको उसने कैसे बढ़ाया है ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है वो इस तरह बढ़ गया, ठीक है, यहां से सीधी लाइन गई तो यहां पे टेढ़ी हो गई, तो कितना हो गया ये एंगल, कितने डिग्री का हुआ, सॉरी ये 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 140 डिग्री का, 90 डिग्री। ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने लेफ्ट साइड पे कौन सा बोला था, जो डी के लेफ्ट साइड बनते हैं दैट इज कॉल्ड ए ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से अबव बने, अंडरस्टैंड। ये देखो डी के लेफ्ट साइड में ऐसे सेंटर में मैयर करते हैं, जो राइट साइड में है दैट इज एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल दैट इज कॉल्ड ए ऑब्ट्यूस एंगल, अंडरस्टैंड। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हम करेंगे विच एंगल हैज ए लॉन्ग मैयर, फिर हमने मैयर करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मैयर, पहले उसने ऐसे एंगल बनाया, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इसका कैसे किया है, ये कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का, ये कितने डिग्री का है, हमने मैयर किया, आप प्रोटेक्टर की मदद से ऐसे मैयर करोगे तो ये कितने का है, 40 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री का एंगल को क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट राइट साइड में है तो क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट जो है ये इससे, ये देखो इससे थोड़ा सा बड़ा है, जो ऐसे गया जितना टाइट होगा, ये देखो ये वाला, ये वाला कौन सा एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है, ये नीचे वाला क्या है, छोटा है, यही इस क्वेश्चन में हमने मैयर करना है। तो ये कितने का है, 70 डिग्री का, मैयर करने पे हमें पता चला मैयर ऑफ ए एंगल, आपने क्या लिखना है इसमें आंसर, मैयर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, कॉमा डाल दो, आपने पूरा लिखना है मैयर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो कौन सा है, एंगल ए लेस देन मैयर ऑफ एंगल बी, अंडरस्टैंड, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सिर्फ हमने प्रोटेक्टर की मदद से ही मैयर करके बताने हैं,
ये देखो ऐसे बनाया उसने, सीधे ये बात नहीं होती कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल हो, ये नीचे की तरफ ऐसे भी हो जाते हैं जैसे इसने बनाया, ऐसे बनाया ना, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होना जरूरी नहीं है। ये रहा, तो हम इसको ऐसे मैयर करेंगे, ये देखो ऐसे मैयर किया, ये कितने का है 45 डिग्री। ओके नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, ये कितने का है, ये 60, यहां तक आ गया है, ये कितने का है 60 डिग्री। आपने प्रोटेक्टर की, आपको प्रोटेक्टर यूज करना आना चाहिए, बस सीधा 90 लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको, डी पे, डी भी बोल देते हैं इसको, जो राइट साइड पे हमारे वो सारे क्यूट एंगल हैं, जो लेफ्ट साइड पे वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, द मेजर ऑफ, अब कौन सा एंगल बड़ा है, ये कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द मेजर ऑफ, द मेजर ऑफ सेकंड एंगल, मेजर ऑफ सेकंड एंगल इज 60 डिग्री एंड फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल कितना है, फर्स्ट एंगल इज 45 डिग्री। अंडरस्टैंड, तो 60 डिग्री जो है वो बड़ा हुआ 45 डिग्री से, सो सेकेंड एंगल इज ग्रेटर देन, सेकेंड एंगल इज ग्रेटर देन फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल। ठीक है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। ओके बाय बाय।